आज सुबह एक दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपयों का माल जलकर राख हो गया। दुकानदार का कहना है कि जब उसे आग लगने का पता चला तो वो दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सारा सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। आग का यह हादसा हुआ है बिजनौर में चांदपुर की चुंगी सिरधनी रोड पर गांव शहबाजपुर खाना में, जहां पर परचून की दुकान में भीषण आग ने लाखों का सामान देखते ही देखते राख में तब्दील कर दिया। दूसरी ओर दुकानदार का कहना है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा बताया और चली गई, जबकि दुकानदार का कहना है कि किसी ने दुकान के ताले तोड़कर फिर दुकान में आग लगाई है। नाम आपका? इमरान है। इमरान कहाँ रहते हो आप? जी हम नहीं रहते थे बाजपुर खाने में। अच्छा, क्या है पूरा मामला आज? पूरा मामला यह है सर, हम सुबह 4 बजे एक आदमी नाम इतना लग रही है आपकी दुकान में आग लग रही है। अच्छा। आग देखा ताले टूटे हुए और हमने शटर उठाई, 2-3 आदमी ने कोशिश करी, बहुत मुश्किल से शटर उठी तो वो आग को बुझाएगा अंदर दुकान में आग लग गई। कितना नुकसान है आपका? जी लगभग 2-2.5 लाख रुपए का। अच्छा, सामान कुछ बचा है? जी सामान तो सब आपके सामने, तभी खत्म। अच्छा, किसी उच्च अधिकारी को आपने शिकायत की थी? जी शिकायत की थी और आए थे चौकी से भी आए थे और थाने से भी बोले शॉर्ट सर्किट का मामला बता के चले। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इसमें आग लगेगी। ये अच्छा, आपको किसी पे शक? जी शक तो मेरी किसी पे लड़ाई भी नहीं करते, आपने कोई एप्लीकेशन दे दी है?